नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट ग्रिड सबस्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल एस्टीमेशन में आज 11 KV की ST और LT लाइनें जो 415 वोल्ट की होती है उनमें क्रेडल गार्डिंग किस तरह से की जाती है उसे जानते हैं और समझते हैं। एक पावर लाइन जब रेल या रोड की क्रॉसिंग करती है तो लाइन टूटने से नीचे किसी भी प्रकार के खतरे नहीं आए, उससे बचाव किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक PPT के रूप में डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं 11 KV HT लाइन में क्रेडल गार्डिंग। इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की ओवरहेड लाइनों में करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लाइन सपोर्ट पोल या टावर्स पे अटैच करते हैं ताकि ग्राउंड से उनका सेफ क्लियरेंस मेंटेन रहे। हम 11 KV के लिए स्टील के ट्यूबुलर या स्टील की रेल प्रकार की पोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट RCC या प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट PSCC लाइन सपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 KV के लिए हम सिंगल पोल या डबल पोल स्ट्रक्चर पे क्रॉसआर्म्स के ऊपर पिन इंसुलेटर या ज्यादा अगर स्ट्रेन्ड कंडीशंस पे हो इंसुलेशन तो डिस्क टाइप स्ट्रेन इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और ये क्रॉसबार और इंसुलेशन कंडक्टर को पोल स्ट्रक्चर से भी सेपरेशन प्रदान करती है और दो कंडक्टर के बीच में भी रिक्वायर्ड स्पेसिंग जनरेट करती है। एक केयरफुल प्लांट स्ट्रेट रन ट्रांसमिशन लाइन में टावर्स की अलाइनमेंट में एंगुलर डेविएशन 5 डिग्री से भी कम रखा जाता है और ऐसी स्थिति में पोल पे क्रॉस आर्म्स और एक पोल क्लैंप के ऊपर 3 पिन इंसुलेटर लगाकर 11 KV या 33 KV लाइन को इकोनॉमिकली डिजाइन कर लिया जाता है। जब किसी ट्रांसमिशन लाइन में एंगुलर डेविएशन 15 डिग्री से ज्यादा हो तो हम एंगल टावर का इस्तेमाल करते हैं। वहां हम डबल पोल के साथ एक एच ब्रेसिंग बनाकर पोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही कंडीशंस हम किसी लाइन के स्टार्ट या एंड में जो टर्मिनल टावर्स होते हैं या किसी लाइन के बीच में से कोई टी ऑफ लाइन ली जा रही है, अलग से लाइन की टेपिंग्स निकाली जाती है, तो वहां पर भी हम इस तरह का एच पोल स्ट्रक्चर डबल पोल का बनाते हैं। जब HTA या LTA लाइन किसी रोड या रेल लाइन को क्रॉस कर रही है या HT लाइन और LT लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो वहां हम इसी तरह के एच पोल स्ट्रक्चर थोड़ी ज्यादा हाइट 11 मीटर हाइट के साथ RCC या स्टील रेल के इस्तेमाल करते हुए क्रॉसिंग में किस तरह की गार्डिंग सुरक्षा जनरेट करते हैं उसे समझते हैं। यहाँ लाल रंग से दिखाई जाने वाली 11 KV की HT लाइन के नीचे से कोई रोड की क्रॉसिंग है या कोई रेलवे लाइन गुजर रही है या LT या कम्युनिकेशन टेलीफोन की कोई लाइन की क्रॉसिंग HT लाइन के नीचे है तो नीचे रोड और रेल पे जो ह्यूमन लाइफ है टेलीफोन या LT लाइन के हमारी इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें ऊपर की लाइन के टूटने से जो रिस्क हो सकती है उससे बचाव के लिए लाइन और क्रॉस करने वाली LTE कम्युनिकेशन लाइन या रेल और रोड के बीच में एक तरह का जाल क्रेडल बुना जाता है। इस तरह की रक्षण को हम क्रेडल गार्डिंग कहते हैं। इस तरह की गार्डिंग से अगर हमारी ये HT लाइन एक्सीडेंटली टूट भी जावे तो भी ये मजबूत जाल नीचे की LTE लाइन टेलीफोन या टेलीग्राफ की लाइन रेलवे लाइन या रोड पर जो पर्सन या एनिमल्स या कोई व्हीकल कैरीज मूव कर रहे हैं उन्हें इस लाइन से टच होने से HT लाइन के टच से रोक या बचाव देता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 33 KV की लाइनें तो काफ़ी मजबूत बनाई जाती है लेकिन 11 और 415 वोल्ट का जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता और एक्सीडेंटली अगर कोई लाइन के तार टूट जाते हैं और गार्डिंग अगर प्रोवाइड की हुई है तो टूटा हुआ तार क्रेडल गार्डिंग में जो हमारे गैल्वनाइज्ड आयरन तार हैं उनसे रोक लिया जाएगा, वो नीचे नहीं जा पाएगा और क्रेडल गार्डिंग की हमने अर्थिंग की हुई है तो लाइन में एक अर्थ फॉल्ट होने से करंट अधिक होने से लाइन में जो है वो ब्लो हो सकते हैं या जो सर्किट ब्रेकर का प्रोटेक्शन है वो एक्ट करेगा और वो ट्रिप मैसेज से सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करके लाइन को डी एनर्जाइज कर देगा। ऐसी स्थिति में हमारी इलेक्ट्रिक पावर है कंडक्टर लाइन में वो कट ऑफ हो जाएगी और नीचे जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का खतरा है वो दूर हो जाएगा। 66 KV या हायर वोल्टेज की जो लाइनें होती हैं वो जब किसी रोड रेल या दूसरी
स्थितियों को क्रॉस करती है, तो वहां हमें गार्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी सब हाई वोल्टेज की लाइनों में एक फास्ट एक्टिंग रिले का ऑपरेशन लाइन के टूटकर नीचे गिरने पर एक सेकंड के 1/4 पार्ट में ही वोल्ट को सेंस करके एक ट्रिपिंग सिग्नल सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए भेज देता है और फॉल्ट तत्काल क्लियर हो जाती है और किसी तरह का भी लाइन के नीचे गिरने से जो नुकसान हो सकता था वो डेड लाइन होने पे बच जाता है। लेकिन इस तरह के फास्ट प्रोटेक्शन LT सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस में नहीं होते हैं, तो वहां लाइन के टूटने से नीचे जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए इस तरह की सुरक्षा के लिए क्रेडल गार्डिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम HT 11 kV या 33 kV की लाइन का रोड, रेल या कोई दूसरी LT लाइन या कम्युनिकेशन लाइन के साथ क्रॉसिंग करते हैं, तो क्रॉसिंग स्पान को मिनिमम रखने के लिए ये पसंद किया जाता है कि क्रॉसिंग प्रिफरेबली राइट एंगल पे हो और किसी भी स्थिति में दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए, या क्रॉसिंग का जो हमारा स्पान है वो लाइन के रेगुलर स्पान के 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्रॉसिंग के दौरान अगर लाइन किसी दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है या किसी बिल्डिंग के नजदीक से गुजर रही है, तो हमें लाइन का दूसरी बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिनिमम क्लियरेंस मेंटेन करना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार रखना होगा। अगर हमारी 11 केवी की लाइन है तो किसी दूसरे नजदीकी सिविल स्ट्रक्चर से वर्टिकल क्लियरेंस मिनिमम 12 फुट और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस मिनिमम 6 फुट मेंटेन करना जरूरी है। अगर यही LT लाइन की क्रॉसिंग है तो बिल्डिंग से मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस 8 फिट और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस 4 फिट की जरूरत रहेगी। जो गार्ड वायर हम दूसरी लाइन और HT लाइन के बीच में लगाते हैं उसके GI वायर्स और लाइन के कंडक्टर के बीच में 11 केवी की अगर मेरी HT लाइन है तो मिनिमम 1.5 मीटर डिस्टेंस सेपरेशन का होना जरूरी है। अगर ये लाइन मीडियम वोल्टेज 33 केवी की है तो गार्डिंग के जो GI वायर है और लाइन के जो तार हैं उनमें 2.44 मीटर का सेपरेशन मिनिमम मेंटेन करना जरूरी है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी की जो रूल 88 है उसके अनुसार वो सारे मेटल स्ट्रक्चर्स जो ओवरहेड लाइन को इंसुलेशन के साथ सपोर्ट करते हैं उनकी मेटेलिक फिटिंग्स है और गार्डिंग के लिए जो हम GI वायर और दूसरे क्रॉसआर्म स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम परमानेंटली और इफेक्टिवली अर्थ करना चाहिए उन सभी सिरों पर जहां लाइन की इलेक्ट्रिक कंटिन्यूटी टूटती है, अर्थात दोनों किनारों पे हमें क्रेडल गार्ड और क्रॉसबार अरेंजमेंट को सेपरेट, इफेक्टिव और परमानेंट अर्थिंग करना जरूरी है। हम जो गार्डिंग के लिए गार्ड वायर का इस्तेमाल करते हैं और अर्थ के लिए जो वायर इस्तेमाल करते हैं वो दोनों सेम गैल्वेनाइज्ड आयरन होने चाहिए और क्रॉसिंग के जो दोनों हमारे पोल साइड्स हैं, जैसे यहां एक टेलीफोन लाइन को एक HT लाइन क्रॉस कर रही है, तो लाइन के जो दोनों क्रॉसिंग टावर्स हैं उनके बीच में जो गार्डिंग वायर्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो दोनों एंड पे परमानेंट और इफेक्टिवली अर्थ होने चाहिए। जो गार्ड वायर हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन पर्याप्त होना चाहिए, उसमें न केवल अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए बल्कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर लाइन एक्सीडेंटली टूटकर गार्ड वायर के ऊपर गिर गई है तो ना तो गार्ड वायर टूटना चाहिए और फॉल्ट का जो करंट अर्थ स्ट्रक्चर में फ्लो करेगा उससे गार्ड वायर फ्यूज भी नहीं होना चाहिए तब तक जब तक कि हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम लाइन को डिस्कनेक्ट करने की एक्टिविटी ना कर दे। तो गार्ड वायर खुद बिना डैमेज हुए फॉल्ट करंट को कैरी करेगा और प्रोटेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट करके लाइन को डेड कराने का काम करेगा और लाइन को नीचे गिरने नहीं देगा। तो नीचे जो दूसरी LT या टेलीफोन की लाइनें हैं या रोड या रेल पर चलने वाले पैसेंजर्स या व्हीकल्स हैं उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड हो जाएगी। एक लाइन की क्रॉसिंग के समय नीचे के ऑब्जेक्ट्स में लाइन के टूटने से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जो गार्डिंग इस्तेमाल करते हैं वो दो तरह की, क्रेडल और केज, दो रूप में होती है। हमारी LT 415 वोल्ट, HT 11 केवी और मीडियम वोल्टेज 33 केवी क्रॉस बार्स और पोल क्लैंप पर 3-पिन इंसुलेटर से अगर एक डेल्टा फॉर्मेशन करती है या एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार्स पे सारे कंडक्टर एक हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो चाहे हमारे कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा फॉर्मेशन में हो या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में हो, हम क्रेडल गार्डिंग का इस्तेमाल करते हैं और क्रेडल गार्डिंग 11 केवी लाइन, 415 वोल्ट की LT लाइन और 33 केवी की मीडियम वोल्टेज लाइन तीनों में इस्तेमाल की जा सकती है। अक्सर हमारे LT लाइन के कंडक्टर किसी रोड या रेलवे लाइन को जब क्रॉस करते हैं तो उन्हें हम एक ऊंचे टावर पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन पे ले आते हैं और वहां पे भी हम ऐसी क्रॉसिंग्स में LT लाइनों में भी क्रेडल गार्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब LT लाइनें वर्टिकल फॉर्मेशन में हो जिसमें 415 वोल्ट की सप्लाई में हमारी तीनों लाइन के लाइव फेज वायर, एक न्यूट्रल तार और कभी
कभी कभी हमें स्ट्रीट लाइटिंग के लिए अलग से लाइन देनी होती है, उनके कंडक्टर यहाँ शकल इंसुलेटर में हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में हम एक चारों तरफ केज पिंजरा बना के केज टाइप गार्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब 33 kV, 11 kV या 415 वोल्ट की लाइन डेल्टा फॉर्मेशन या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन पे होती है, क्रेडल गार्डिंग जब हम क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ लाल रंग के जो लाइन कंडक्टर्स हैं उनके नीचे यहाँ काले रंग का जैसा हमने दिखाया हुआ है उस तरह का एक जाल क्रेडल हम GI वायर का बना लेते हैं। जो क्रेडल गार्डिंग है उसमें दो GI के ये बियरर वायर हैं किनारों पे, जैसे हमने यहाँ आई बोल्ट पे आप देखिए लगे हुए हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम दोनों क्रॉसिंग के जो एंड्स पे टावर्स हैं उन पर स्पेशल जो क्रोसार्म्स हमने लगाई है उनमें आई बोल्ट को अटैच करके फिक्स कर देते हैं, और इन बियरर वायर के बीच में इन दो पूरी क्रॉसिंग स्पान में लगाए गए GI के बियरर केज या क्रेडल वायर्स के बीच में हम क्रॉस लेसिंग में GI के वायर्स को रेगुलर इंटरवेल्स में प्लेस कर देते हैं। जो हमारा केज ग्रेडल का बियरिंग वायर है वो पोल पर लगी हुई दोनों तरफ जो क्रोसार्म्स हैं उन पे आई बोल्ट में दूसरी तरफ थ्रेड्स लगे हुए हैं, और ये इन थ्रेड्स को हम क्रॉस बार्स पे नट से कस के आई बोल्ट को फिक्स करके टाइटन करके बियरर वायर को स्ट्रेच कर देते हैं। छोटी जो LT लाइनें होती हैं हमारी, जो कम इम्पोर्टेंट की क्रॉसिंग गाँव में जहाँ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और इकोनॉमी ऑफ डिज़ाइन की बेसिक रिक्वायरमेंट है, वहाँ क्रॉस लेसिंग पूरी लेंथ पे न करके सिर्फ दोनों पोल के पास एक एक फर्स्ट क्रॉस लेसिंग करके हम एक इकोनॉमिक क्रेडल गार्डिंग LT लाइनों के लिए बना लेते हैं। गार्डिंग में टूटा हुआ तार क्योंकि गार्डिंग वायर से टच हो जाता है और वो उसी पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा जिस पर हमारी लाइन वर्क कर रही है, और हमारी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की जो रूल 77 है वो कहता है कि जो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस है 11 kV के लिए वो 6.1 मीटर और 33 kV के लिए 6.4 मीटर मेंटेन रहनी चाहिए। तो हमारा जो क्रेडल गार्डिंग में चाहे क्रॉस लेसिंग का कोई भी हिस्सा हो वो ग्राउंड से मिनिमम 11 केवी की अगर लाइन की हम गार्डिंग कर रहे हैं तो 6.1 मीटर क्लियरेंस रखना चाहिए, और 33 के केस में ये क्लियरेंस 6.4 मीटर रहनी चाहिए। हमें लाइन और गार्डिंग के वायर के बीच में भी मिनिमम 1.5 मीटर की क्लियरेंस बनानी होती है 11 केवी के केस में, और 2.44 मीटर की क्लियरेंस चाहिए 33 केवी की लाइन के लिए। तो हमें लाइन को ग्राउंड से थोड़ी ज्यादा हाइट पे 11 मीटर हाइट के हम डबल पोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और उनमें एच सेक्शन बनाकर क्रॉस ब्रेसिंग करके स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे ऊपर एक क्रॉस आर्म्स पर डिस्क इंसुलेटर को पोल के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेन इंसुलेटर की भांति इस्तेमाल किया जाता है, और उससे नीचे एक दूसरी क्रॉस आर्म्स पर क्रेडल गार्डिंग के जो बियरर वायर्स हैं उन्हें आई बोल्ट के साथ अटैच किया जाता है, ताकि हमें लाइन टू गार्डिंग और गार्डिंग टू ग्राउंड जो मिनिमम क्लियरेंस है वो अवेलेबल हो जाए। 11 केवी के केस में जब हम ये क्लियरेंस चाहते हैं तो लाइन की क्रोसार्म्स और क्रेडल गार्डिंग की क्रोसार्म्स के बीच में मिनिमम 650 mm का सेपरेशन होना जरूरी है। 33 केवी के केस में लाइन की क्रोसार्म्स और क्रेडल गार्डिंग की क्रोसार्म्स के बीच में 840 mm का सेपरेशन जरूरी है। तो ये 650 mm 11 केवी और 840 mm 33 केवी पे क्रोसार्म्स का सेपरेशन है जो हमें पोल पे मेंटेन करना है। इसके अलावा हमें लाइन और गार्डिंग के कंडक्टर और गार्डिंग और ग्राउंड के बीच में मिनिमम क्लियरेंस भी मेंटेन रखनी होगी। लाइन की डेल्टा फॉर्मेशन है तो लोअर क्रॉस आर्म्स पोजीशन से 650 मिलीमीटर नीचे 11 केवी की लाइन के लिए और 840 मिलीमीटर नीचे 33 केवी की लाइन के लिए हम क्रेडल गार्डिंग की क्रॉस आर्म्स को फिक्स कर देंगे। जो क्रेडल गार्डिंग की क्रॉस आर्म्स है उसकी लेंथ लाइन के हॉरिजॉन्टल स्पान से दोनों तरफ बड़ी ली जाएगी और दो GI के बियरर वायर क्रॉस आर्म्स पे जो आई बोल्ट लगे हुए हैं उनके साथ स्ट्रंग कर दिए जाएंगे, टाइट लटका दिए जाएंगे दोनों लाइन सपोर्ट के बीच में दोनों तरफ। इस क्रेडल वायर या गार्ड वायर या केज वायर की जो साइज है वो 5 mm डायामीटर या 6 स्टैंडर्ड वायर गेज रखी जाएगी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। अगर हम 415 वोल्ट की LT लाइन की क्रेडल गार्डिंग कर रहे हैं तो इसे हम 8 SWG का छोटे साइज का भी 4 mm डायामीटर का वायर भी ले सकते थे। अगर
लेकर 33 केवी की गार्डिंग की जा रही है। तो इस वायर को 6 mm डायमीटर का भी लिया जा सकता है। लाइन कंडक्टर और गार्डिंग में जो GI वायर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बीच में मिड स्पान में 11 केवी की लाइन के लिए 1220 mm का सेपरेशन होना चाहिए और 415 की मेरी LT लाइन के लिए ये सेपरेशन 610 mm यहाँ रखना जरूरी है। अगर क्रेडल गार्डिंग को टॉप से प्लान व्यू देखें तो ये लाल रंग के मेरे ऊपर 3 लाइन कंडक्टर्स हैं जो यहाँ डेल्टा फॉर्मेशन बना रहे हैं। ये क्रेडल गार्डिंग की क्रोसाम है जिसकी लेंथ यहाँ लाइन टू लाइन हमारा जो सेपरेशन है पिन इंसुलेटर का वो 1070 mm है और हमारी क्रेडल क्रोसाम्स 2210 mm लेंथ की है। इसके दोनों तरफ ये जो आई बोल्ट है उसके अलोंग पूरी क्रॉसिंग्स पे हमने बियरर या क्रेडल वायर्स अटैच किए हुए हैं जो 2100 mm सेपरेशन मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ लाइन टू लाइन जो सेपरेशन है वो 1070 mm है और क्रेडल का जो स्पान है वो 2100 mm बना रहा है लाइन के नीचे। दोनों बियरर वायर के साथ क्रॉस लेसिंग के लिए हमने नेटिंग या जाल बुनने के लिए 10 या 12 SWG के 3.15 mm या 2.5 mm डायमीटर के वायर दोनों तरफ बियरर वायर के साथ बाइंड करते हुए स्ट्रेच कर दिए हैं। पोल से जो पहला हमारा क्रॉस लेसिंग है वो 750 mm दूर है। बाद में 2-2 मीटर के दूरियों के साथ पूरे क्रॉसिंग्स में हम इस तरह की क्रॉस लेसिंग कर देंगे। पोल से दोनों तरफ जो पहली क्रॉस लेसिंग है वो 750 mm सेपरेशन बनाए हुए हैं और बीच में सभी लेसिंग के बीच में इंटरवेल 2 मीटर रखी गई है। अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में कोई LT लाइन में हमें क्रेडल गार्डिंग करनी है तो किनारे के ये जो क्रेडल या ब्रेसिंग वायर है उसे 6 SWG की बजाय 8 SWG 4 mm डायमीटर का लिया जा सकता है और क्रॉस लेसिंग करते हुए पूरे स्पान में क्रॉस लेसिंग न करते हुए इकोनॉमिक डिजाइन में पोल के दोनों तरफ 750 mm दूरियों पर एक एक क्रॉस लेसिंग 10 या 12 SWG के वायर की जिसकी डायमीटर 10 SWG में 3.15 mm और 12 SWG में 2.5 mm वो की जा सकती है और इस तरह से हम एक इकोनॉमिक गार्डिंग प्रोटेक्शन LT लाइन का भी डिजाइन कर सकते हैं। क्रॉस लेसिंग के वायर को क्रेडल बियरिंग वायर से बाइंड करते समय हम छोटे फ्लेक्सिबल 14 या 16 SWG के GI वायर का इस्तेमाल यहाँ क्रॉस ब्रेसिंग को बाइंड करने में करते हैं। गार्डिंग के एक्स्ट्रा प्रोविजन होने के कारण दोनों क्रॉसिंग के टावर्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे तो उन्हें बैलेंस करने के लिए क्रॉसिंग की दूसरी तरफ गाई या स्टे अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और गार्डिंग की क्रॉस आर्म्स पे 2 आई बोल्ट के साथ एक वी जॉइंट बनाते हुए यहाँ टर्न बंकल को लगा के GI के 7 स्टैंड 10 SWG 3.15 mm के वायर को नीचे एंकर रोड और एंकर प्लेट के साथ ग्राउंड कर दिया जाता है और दोनों तरफ एक एक गाई या स्टे अरेंजमेंट्स गार्डिंग करते समय हमें टावर्स को एडिशनल प्रोवाइड करने होते हैं। एकेडमिक एग्जाम और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियल एस्टिमेशन करना और एक क्रेडल गार्डिंग के लिए अगर हम HT 11 kV लाइन को डेल्टा फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ 2 पिन इंसुलेटर के बीच में 1070 mm का सेपरेशन है जैसा यहाँ डायग्राम में ये तीनों लाइनें हमारी डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में पोल क्लैंप पे लगे हुए पिन इंसुलेटर और 2 दूसरे पिन इंसुलेटर पे दिखाई जा रही है तो जो गार्डिंग क्रॉस आर्म है उसका स्पान इस मैक्सिमम स्पान से दोनों तरफ मार्जिन लेकर होगा और ये 2210 mm लंबाई की एक सी चैनल होगी जिसमें एक डायमेंशन बीच की 75 mm है और दोनों तरफ ऊपर और नीचे ये 40 mm डायमेंशंस के साथ होगी और इस चैनल की थिकनेस 8 mm रखी जाएगी और दोनों क्रॉसिंग के साइड के पोल्स पर हम इस तरह की क्रॉस आर्म्स का प्रयोग करेंगे। क्रॉस आर्म्स को पीछे से बैक क्लैंप लगाकर जो 445 mm x 50 mm डायमेंशंस का होगा ये लेंथ होगी ये विड्थ होगी और 8 mm थिकनेस होगी और दोनों क्रॉस आर्म्स को 2 बैक क्लैंप से हम कनेक्ट कर देंगे। हर क्रॉस आर्म्स पे 2 आई बोल्ट किनारे पे क्रेडल गार्डिंग वायर को होल्ड करने के लिए और बाकी 2 गाई और स्टे को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो दोनों क्रॉस बाम्स में 4 इधर 4 इधर कुल 8 आई बोल्ट्स का इस्तेमाल होगा और ये आई बोल्ट 16 mm के होंगे। बोल्ट के साथ वॉशर नट लॉक नट का भी कॉम्बिनेशन होगा। दोनों तरफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के रूल के हिसाब से हमें गार्डिंग और पोल
होल स्ट्रक्चर की एक परमानेंट और इफेक्टिव अर्थिंग करनी होगी, तो वो अर्थिंग हम इकोनॉमिक पाइप अर्थिंग से कर सकते हैं। तो दो पाइप अर्थिंग के कंप्लीट सेट्स हमें दोनों तरफ टावर्स पर बनाने होंगे। दोनों तरफ टावर को कंप्लीट स्टे अरेंजमेंट, गाई अरेंजमेंट देना होगा, जिसके लिए हम टर्न बकल, स्ट्रेन इंसुलेटर, स्टे वायर, स्टे रोड, स्टे प्लेट और कंक्रीटिंग वगैरह का अरेंजमेंट कंप्लीट करेंगे। तो दो स्टे अरेंजमेंट्स हमें करने होंगे। किनारे के ये दोनों क्रेडल वायर 11 और 33 केवी की क्रेडल गार्डिंग के लिए 6 SWG या 5 मीटर डायमीटर के होंगे, और जो पूरी हमारी क्रॉसिंग की स्पान है उसकी डबल लेंथ दोनों तरफ जब हम लेंगे तो 2% एक्स्ट्रा लेंथ सैक के लिए हमें लेनी पड़ेगी। अगर यही क्रेडल गार्डिंग LT लाइन की है तो इस वायर को हम 6 SWG की बजाय 8 SWG और 4 mm डायमीटर का ले सकते हैं। जो क्रॉस लेसिंग के लिए हम वायर इस्तेमाल करेंगे वो 10 या 12 SWG के हो सकते हैं, प्रिफरेबली इन्हें 10 SWG 3.15 mm डायमीटर का लेना चाहिए। अगर हमें इकोनॉमिक डिजाइन करनी है तो इसे 12 SWG 2.5 mm के भी लिए जा सकते हैं। दो क्रॉस लेसिंग दोनों टावर से 750 mm दूरी पर लगानी है और बाद में 2-2 मीटर के सेपरेशन पे हमें क्रॉस लेसिंग्स का कैलकुलेशन करना है। क्रॉस लेसिंग को बियरर वायर से कनेक्ट करने के लिए बाइंडिंग के लिए हमें ब्रेसिंग वायर 14 SWG 2 mm डायमीटर के इस्तेमाल करने हैं। तो ये एक मोटा एस्टिमेशन हो गया है क्रेडल गार्डिंग का। LT लाइन में हमें ग्राउंड क्लियरेंस कम चाहिए तो हम वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन भी कंडक्टर्स का बना सकते हैं और एंड टावर्स में सिंपल डी क्लैंप में शकल इंसुलेटर में हम लाइन को टर्मिनेट कर सकते हैं और ये बहुत इकोनॉमिक डिज़ाइन बन जाती है। ऐसी स्थिति में तीनों फेज की जो मेरी लाइन की तार है, कई बार हमें स्ट्रीट्स में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए अलग से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटरिंग का एक वायर अलग से देना होता है और नीचे हम न्यूट्रल उसी कॉन्फ़िगरेशन में डी क्लैंप में शकल इंसुलेटर में हम लाइन को जोड़ देंगे और ऊपर एक अर्थिंग का वायर गार्डिंग के दौरान दोनों क्रॉसिंग के सिरों पे जो सिंगल पोल हैं उन पर हम लगा देंगे। LT की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें लाइन टू लाइन जो सेपरेशन है वो 300 मिलीमीटर का एक फिट का हमें रखना है, तो सभी लाइनों में और न्यूट्रल में हमने 300 mm के सेपरेशंस कर दिए हैं, ऊपर एक अर्थ वायर लगा दिया है। अब इन लाइनों के चारों तरफ एक घेरा केज हम बनाएंगे GI के 10 SWG वायर का और न्यूट्रल से तो इसे फर्म कनेक्ट कर देंगे और वायर के साथ एक रील इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और केज और अर्थिंग में सेपरेशन रहेगा ताकि हमारे घरों में जो अर्थ स्ट्रक्चर है वो उस समय लाइव ना हो जाए जिस समय कोई लाइन टूटकर केज पे गिरेगी। जब लाइन टूटती है और केज पे गिरती है तो लाइन और न्यूट्रल के बीच में एक डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ऐसी स्थिति में लाइन में लगा हुआ फ्यूज ब्लो हो जाएगा या सर्किट में जो सर्किट ब्रेकर है उसमें ओवर करंट ट्रिप सिग्नल सर्किट ब्रेकर को एक्ट करके लाइन को कनेक्ट करा देगा और हमें सभी प्रकार की सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी। तो जहां वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन हो कंडक्टर्स का तो वहां हम इस तरह की इकोनॉमी केज गार्डिंग हम LT में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे इस तरह की केज गार्डिंग जब हॉरिजॉन्टल स्पान बहुत बड़ा है HT की लाइनें हैं तो इस्तेमाल नहीं होगा। क्रेडल गार्डिंग में हमारा जो गार्डिंग GI स्ट्रक्चर था वो अर्थ किया गया था और यहाँ पर केज स्ट्रक्चर को जो गार्डिंग के लिए हमने इस्तेमाल किया है उसे अर्थ से रील इंसुलेटर से सेपरेट रखना है और न्यूट्रल से इसे कनेक्ट करना है। इन दिनों हमने अपना बहुत सारा रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई कर दिया है और वो 25 kV की मेनलाइन AC सप्लाई पर काम करता है, तो अगर उस पे 33 kV या 11 kV की लाइन की क्रॉसिंग होती है तो ओवरहेड लाइन से क्रॉसिंग बहुत ट्रबलसम हो जाती है और हम प्रिफरेबली अंडरग्राउंड केबल से इस तरह की क्रॉसिंग को मैनेज करते हैं। पिछले दिनों केबल टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार हुआ है, कॉस्ट में काफी रिडक्शन हुआ है, तो एरियल बंच्ड जो हमारी केबल्स हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इंसुलेशन XLPE इंसुलेशन के साथ वो 11 kV के लिए भी इकोनॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल हो गई हैं। तो आजकल हम बहुत सारी रेल रोड LT लाइन की क्रॉसिंग अंडरग्राउंड केबल से करना पसंद करते हैं। इसमें हमारी जो HT ओवरहेड लाइन है वो किसी स्ट्रेन इंसुलेटर पर हम टर्मिनेट कर लेते हैं और फिर एक केबल टर्मिनेटर यहाँ टर्मिनल्स पे लगा के जिसे हम कमर्शियल लैंग्वेज में पंजा कहते हैं 11 kV के लिए हमें स्पेशल केबल टर्मिनेटर लगाने पड़ेंगे। LT के कनेक्शन एरियल बंच केबल से सीधे किए जा सकते हैं और हम 3 कोर की जो हमारी XLPE इंसुलेटेड क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन इंसुलेटेड जो केबल है
उसका इस्तेमाल कर लेंगे। केबल को हम एक पाइप से नीचे अंडरग्राउंड रोड के अक्रॉस या रेल के नीचे से पास कर देंगे और इस तरह से हमारी एक सेफ क्रॉसिंग हो जाएगी। केबल की मदद से क्रॉसिंग को मैनेज करना एस्थेटिक लुक वाइज भी अट्रैक्टिव लगता है और सेफ है। कॉस्ट इन दिनों कंपेरेबल हो गई है तो केबल से क्रॉसिंग भी कॉमर्शियली हम अपने पावर सिस्टम में काफी पसंद करते हैं। एक मटेरियल एस्टिमेट समझते हैं क्योंकि हमें कोई ग्राउंड क्लियरेंस ओवरहेड लाइन की नहीं चाहिए, तो हमें 11 मीटर के लंबे ज्यादा हाइट के पोल की बजाय हम सामान्य 8 मीटर हाइट के प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट या रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के पोल इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि स्ट्रेन इंसुलेटर पे वन साइडेड स्ट्रेन आएगी, पोल पे सपोर्ट ज्यादा चाहिए, तो हम दो तरफ से स्टे करके और स्ट्रेन इंसुलेटर का जब इस्तेमाल करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस आर्म्स पे डिस्क इंसुलेटर जिन्हें स्ट्रेन इंसुलेटर के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है वहां लाइन को टर्मिनेट कर लेते हैं, जैसा कि यहां साइड व्यू में हम समझ सकते हैं। इन डिस्क इंसुलेटर पे जो लाइन आई है उसे 11 केवी के केबल टर्मिनेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और ये जो पंजा है उसके दूसरे एंड हम XLPE केबल से कनेक्ट कर देते हैं और केबल अंडरग्राउंड होकर हमारे कनेक्शन को सेकेंड एंड पर ले जाएगी। वहां दूसरे एंड पे भी हम केबल टर्मिनेटर लगाकर कनेक्शंस को बाहर ओवरहेड या दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर देंगे। एच टावर में हमें 3 बेल्टिंग एंगल्स लगानी पड़ेंगी। एक ऊपर वाली बेल्टिंग एंगल पे हम XLPE केबल जो है उसे और उसके पाइप को सपोर्ट करेंगे। नीचे की दो जो बेल्टिंग एंगल है उनके बीच में क्रॉस ब्रेसिंग करके हम डबल पोल एच स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग देंगे। दोनों पोल के पीछे हम सेपरेट कंप्लीट स्टे अरेंजमेंट्स देंगे। ब्रेसिंग और बेल्टिंग के लिए जो एंगल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, क्रॉस आर्म्स जो लगाई है, उन सब के लिए हम क्लैंप्स को नट बोल्ट और वॉशर की मदद से कनेक्ट कर देंगे। सभी जो हमारी क्लैंप्स हैं वो रिक्वायर्ड लेंथ में और 50 मिलीमीटर विड्थ और 8 मिलीमीटर थिकनेस के साथ होगी। XLPE केबल की जो कंडक्टर क्रॉस सेक्शन है वो करंट रेटिंग के हिसाब से हो जाएगा। एक सामान्य कंडीशंस में हम 185 स्क्वायर mm की केबल 500 केवीए तक के लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से आपको क्रेडल गार्डिंग के बारे में सारी कॉन्फ़िगरेशन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, हैव नाइस टाइम। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।